अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला नगर के थोल छपशरो पॉइंट पे, और यहाँ जो है ये लोकल बहुत मशहूर डिश है, और हम अभी मालूम करते हैं और पता लगाते हैं कि ये बनती कैसे है। आइए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? और अच्छा, हम यहाँ पर आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं और ख़ास तौर पर ये डिश खाने के लिए आए हैं, तो आप हमें बताएंगे कि ये डिश किस तरह से आप बनाते हैं? ये डिश है, हम कीमा करते हैं गोश्त का, उसके साथ हम ऑनियन मतलब प्याज डालते हैं, प्याज डालते हैं मतलब कीमा और प्याज, उसके साथ मसाले मिक्स करते हैं। अच्छा, हमारा ये लोकल डिश है, इसका नाम छपशरो है और इसके मशहूर थोल नाला के मशहूर ये डिश है, इसलिए मतलब लोग दूर दूर से यहाँ खाने के लिए आते हैं, मतलब लोकल वाले ज़्यादा पसंद करते हैं इसका। हाँ जी, हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं ये ख़ास तौर पे ये डिश खाने, और बहुत मज़ा आया ये डिश खा के, तो इसलिए जो है वो इसकी रेसिपी जाननी बहुत ज़रूरी थी कि ये किस तरह से ये लोकल डिश बनती है, तो ये बात थी। और यहाँ पे ये डिश जो है वो कब से जो है वो मशहूर है? तकरीबन 25-30 साल हो रहा है, 25-30 साल पहला ये मतलब यही एक ठिया था, ये एक की दुकान थी, होटल थी, इसके बाद ये सारे मतलब तकरीबन 10-15 होटल बने हुए हैं अभी, मतलब सीज़न में पूरे नहीं कर सकते, ये सारे 15 होटल पूरे नहीं कर सकते कस्टमर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं और 15 होटल्स हैं और यही सेम डिश बनती है, लेकिन कस्टमर्स को जो है वो अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है, इतने लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से।